अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम जोन। और मैं हूँ महविश। सो इन दिस वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है बहुत ही प्यारा सा मेकअप लुक। गर्ल्स, इस मेकअप लुक को क्रिएट करने में मुझे ओनली 5 मिनट्स लगे हैं। ये 5 मिनट्स में इजीली क्रिएट हो जाता है। अगर आप देखना चाहती हैं कि मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और इस लुक को क्रिएट करने में मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, टीनेजर गर्ल्स के लिए भी बेस्ट है। अगर आपको ये लुक पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, और हाँ, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेकअप लुक, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ जॉय का प्योर एलो मॉइस्चराइज़र। हमें मॉइस्चराइज़र हमेशा लगाना चाहिए मेकअप करने से पहले। एंड देन मैं अप्लाई करूँगी जॉय का सन ब्लॉक सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हमें हमेशा लगानी चाहिए समर्स टाइम में। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, और डॉट डॉट करते हुए अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। गर्ल्स, हमें अपने नेक पे और अपने ईयर्स पे भी लगाना चाहिए ताकि हमारी स्किन का कलर एक जैसा लगे। और इसको मैं एक बफिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी। कंसीलर के लिए मैं सेम बेबी क्रीम को अपनी अंडर आईज एंड आईलिड्स पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी, और इसको भी एक बफिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूंगी। अपनी बेबी क्रीम को सेट करने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ मेबलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट इन द शेड शेल, और इसको एक बफिंग ब्रश की हेल्प से डैप डैप करते हुए अपनी पूरी बेबी क्रीम को अच्छे से सेट कर लूंगी। हमें डैप डैप करते हुए ही सेट करना चाहिए, ब्रश को ड्रैगिंग मोशन में नहीं चलाना चाहिए। डैप डैप करेंगे तो जो भी हमारी बीबी क्रीम है या फाउंडेशन वो अच्छे से सेट हो जाता है। नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का पेक ब्लश हाइलाइटर शिमर ब्रिक, और इसमें से मैं ये लाइट पिंक शेड लेके अपनी पूरी आईलिड पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, दोनों आईज पे। ये शिमर ब्रिक काफ़ी मल्टी टास्किंग है, इसको हम काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, एज आई शेडो, ब्लशर, हाइलाइटर, ये सारे काम करता है। सो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और इसकी फिनिश भी बहुत ज़्यादा नेचुरल आती है। और उसके बाद मैं ये सिल्वर शेड लेके सबसे नीचे वाला और अपने इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ ब्लू हेवन का सॉफ्ट काजल इन द शेड ब्लैक, और इससे मैं एक बोल्ड एंड थिक काजल ड्रॉ करूँगी अपनी आईज में, एंड अपने आउटर कॉर्नर पे हल्का सा विंग भी निकालूंगी इस तरीके से गर्ल्स। और गर्ल्स, ये काजल बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, आप इसे डेफिनेटली ट्राई करें। 120 समथिंग का आता है और ऑफर्स चलते रहते हैं, ये हमेशा 98, 99, 100 समथिंग में मिल जाता है। और दोनों आईज में मैं अच्छे से इस काजल को अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ मार्स का 36 मैट कलर आई शेडो पैलेट, और उसमें से मैं ये जेट ब्लैक शेड लेके अपने काजल के ऊपर पैट कर लूँगी ताकि हमारा काजल और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। आप किसी भी पैलेट में से ब्लैक शेड लेके बस इस तरीके से अप्लाई कर ले। अगर आपका काजल लॉन्ग लास्टिंग नहीं है तो लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा और साथ ही साथ कलर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। बट ये काजल बहुत लॉन्ग लास्टिंग है ऑलरेडी, बट मैं फिर भी इसको अप्लाई कर रही हूँ ताकि और लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। नेक्स्ट मैं अपनी आई लैशेज को कर्ल कर लूँगी आई लैश कर्लर की हेल्प से, एंड देन अप्लाई करूँगी मस्कारा। मस्कारा के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा, और मस्कारा लगाने से हमारी आईज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, आप इजीली देख सकते हैं। और इसको मैं अपनी लोअर लैशेस पे भी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, 2 से 3 कोट मैंने मस्कारा के अप्लाई किए हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ हिलारी रोडा की
आईब्रो पेंसिल इन द शेड ब्राउन। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी आईब्रो पेंसिल है गर्ल्स, मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करती हूँ। मैं इसको अपनी मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में यूज़ कर चुकी हूँ। अब तक की मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं, मैं ये नहीं बोल रही मैंने बहुत वीडियोज़ बना ली, बट जितनी भी हैं मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। बहुत ही नेचुरल फिनिश देती है ये, आप खुद देख सकती हैं सामने से कि कितनी नेचुरल फिनिश आ रही है, बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रहा, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरी फिनिश होने वाली है, डेफिनेटली मैं दूसरी भी लूँगी। नेक्स्ट मैं सेम स्विस ब्यूटी के पेक्ड ब्लशर हाईलाइटर में से ये डार्क पिंक शेड लेके अपने एप्पल ऑफ चिक्स पे अप्लाई कर लूँगी, और आप ग्लो देख सकते हैं, सी द ग्लो, कितना ग्लो आ रहा है फेस पे और कितना नेचुरल और प्यारा लग रहा है, और अपने नोज पे भी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं सबसे नीचे वाला पेल पिंक की कलर लेके अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है और हमारे ब्लश में भी शीन है, तो मैं सिर्फ हल्का हल्का सा ही अपने फेस को हाईलाइट करूँगी, और ये अमेजिंग है गर्ल्स, आप इसे डेफिनेटली ट्राई कीजिए। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ फैशन कलर की नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक इन दी शेड 79। ये बहुत ही अमेजिंग शेड है, हर स्किन टोन पे जाएगा, और ये लिपस्टिक 4 से 5 घंटे आपके लिप से कहीं नहीं जाने वाली, ये नॉन ट्रांसफर है। और मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ ADS का मेकअप फिक्सर, और उसको मैं अच्छे से अपने फेस पे स्प्रे करके और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से एक्सेस पाउडर को रिमूव कर दूंगी ताकि मेरा फेस पाउडरी ना लगे। सो गर्ल्स, मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है, और मैंने यहाँ पे वियर की है ब्लैक कलर की कुर्ती, एंड देन मैंने यहाँ पे झुमकी वियर की है, इसका प्राइस है 50 रुपीज़, मैंने लोकल मार्केट से ली थी। सो गर्ल्स, ये था आज का मेरा 5 मिनट ब्यूटीफुल मेकअप लुक। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि आपको मेरा ये मेकअप पसंद आया या नहीं। मुझे तो पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, बिगिनर्स के लिए, टीनेजर गर्ल्स के लिए ये बेस्ट है। सो गर्ल्स, अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आया हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। Bye, stay blessed, Allah Hafiz.